हेलो डियर पेरेंट्स मेरा नाम डॉक्टर राहुल चौहान है एंड आई एम वर्किंग एज ए पीडियाटिशन एट मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन के बारे में आपसे बात करूँगा ये वैक्सीन क्या है और किस वजह से इसको दिया जाता है स्पेशली बच्चों में यंग एडल्ट ये वैक्सीन अगेंस्ट काम करती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ करता है और आगे चल के ये एक कैंसर का भी रूप ले लेता है उसके बचाव के लिए आजकल इसको बहुत स्ट्रांगली हम रिकमेंड करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में स्पेशली गर्ल्स में जिनकी एज नौ साल से ऊपर की है ऐसे बच्चों में हम जनरली दो डोजेस इस वैक्सीन की देते हैं छः महीने के अंतराल पर और ये पंद्रह साल के जो बच्चे हैं उनसे ऊपर ये वैक्सीन तीन डोजेज़ में दी जाती है वैक्सीन बहुत सेफ़ है और इससे 90 परसेंट प्रोटेक्शन रहता है जो कि विच इज़ ए वेरी गुड नंबर ध्यान रखिए ये वैक्सीन केवल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको ये प्रिवेंट करता है बहुत सारे बहुत तरीके के ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होते हैं करीब इनकी टाइप्स लगभग 200 के आसपास होती है जिसमें से 40 ऐसी स्ट्रेन होती हैं जो ये डिज़ीज़ करती हैं वैक्सीन बहुत सेफ़ है इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते लाइक एनी अदर वैक्सीन जो कि टेम्प्रेरी साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे फीवर का आना पेन होना या इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा स्वेलिंग होना कभी कभार कुछ आ, मरीजों में हल्का सा फेंटिंग वगैरह भी नोटिस किया गया है तो ऐसे में हमें चाहिए कि वी शुड आस्क द पेशेंट टू सिट एटलीस्ट फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स आफ्टर वैक्सीनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो आगे और जानकारी के लिए आप अपने नियर बाई डॉक्टर से इसके विषय में बात कर सकते हैं और इस वैक्सीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं सो so एक ये स्मॉल मैसेज उन सभी पेरेंट्स के लिए है इस वैक्सीन की अवेयरनेस के बारे में है अपने बच्चों के लिए जो 9 साल से ऊपर के हैं उनको ये वैक्सीन ज़रूर लग पाएँ थैंक यू वेरी मच